तो दिल्ली वालों को एक बड़ा तोहफा मिल गया है। दिल्ली वालों को अब इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करने का मौका मिलेगा। मेरे साथ कैलाश गोहले होते हैं इस समय, जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं। सब लगातार आप लोग कोशिश कर रहे थे कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की जाएं, तो अब ये नई सोच किस तरीके से आप देखते हैं? मेरे ख्याल से एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक नया युग और नई तरह की जो बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं, 100% इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो दिल्ली में अब जो CM साहब ने फ्लैग ऑफ किया तो उसका एक नया शुरुआत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ अच्छी बसों के होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि है वो ये है कि जो हमारी लड़ाई प्रदूषण के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जैसे आप देखें कि हमने बस में भी लिखा है 100% इलेक्ट्रिक एंड ज़ीरो स्मोक, तो इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत कम है, बड़ी कम्फर्टेबल बसेज हैं। तो दिल्ली वासियों को और DTC को बहुत बहुत बधाई। सर, मैं देख रहा था कि आपने कुछ दिन पहले जो है वो CNG बसेज भी अभी और लाए हैं आप लोग। इस प्रकार की हाईटेक बसेज लाना कहीं ना कहीं आपको लगता है कि परिवहन व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती के साथ आप लोग जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर उतार पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो हम लगातार हम कह रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से जो कि बहुत, अगर आप किसी भी अच्छे डेवलप्ड शहर की बात करें, चाहे लंदन है चाहे न्यूयॉर्क है, जो बसें आप आज दिल्ली में जो लो फ्लोर बसेज आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट बसेज हैं, फुल्ली टेक्नोलॉजी से जो चलती हैं, फुली ऑटोमेटिक है, इसमें कोई गियर नहीं है, और जो मनोवरिंग है, आप जो अगर स्टेयरिंग भी देखें तो इसका बिल्कुल आप एक उंगली से उसको पूरा स्टेयरिंग कर सकते हैं। तो दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर का और किसी भी देश का जो है वो लाइफलाइन है, तो उसी को हम जो एक CM साहब का सपना है कि भाई सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया का एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि रिलायबल भी है, एफिशिएंट भी है, कंफर्टेबल भी है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देने की बात कर रहे हैं दिल्ली वासियों। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि इलेक्ट्रिक बसों को लेकर अब आपकी रूपरेखा क्या होने वाली है? अप्रैल तक हमारी कोशिश है कि 300 बसें इलेक्ट्रिक बसेस इसी तरह की वो हम रोल आउट कर दें, और आगे फिर आने वाले समय में ये तो हमारा विजन CM साहब ने ऑलरेडी सेट कर दिया है कि जो भी हम आगे इलेक्ट्रिक बसेज जो हम इंडक्ट करेंगे वो हमारी कोशिश रहेगी। कभी कभी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हो सकते हैं कि CNG बसेज हमें दोबारा ऑर्डर करनी पड़े, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, दिल्ली सरकार की पूरी ये एफर्ट रहेगी कि आगे आने वाली जो बसें हम ऐड करें, चाहे वो क्लस्टर में हैं चाहे DTC में हैं, वो इलेक्ट्रिक बसें ही ऐड करें। तो DTC का पूरा एक जो प्लान है वो ये कि आगे आने वाले 2-3 साल में हम 2000 बसेज और इलेक्ट्रिक बसेज ऐड कर दें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साफ है कि फिलहाल आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का ये जमावड़ा आने के बाद निश्चित तौर पर दिल्ली वालों को फ़ायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा।